चलिए रिकॉर्ड स्टार्ट। ठीक है, तो अभी तक हमारी क्या चीजें रहती हैं? अभी तो हमने बड़ा कुछ कवर करना है, सिर्फ हमारी फेमिलियरिटी इंक्रीज हो रही है नंबर्स के साथ, डबल करना, हाफ करना, डिजिट सम, डिजिट सम का क्या मतलब होता है, नाइन कैसे बनता है, ये सिर्फ हम अपनी, वो मैंने बताया था ना कि हमने दोस्ती करनी है फिलहाल नंबर से। एक दफा दोस्ती हो गई, नंबरों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नंबरों की बंदर बांट समझ आ गई, तो सारा चक्कर समझ आ जाएगा। आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल, आप इसको बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा इंटरेक्टिव है, और हम मैथ और ये जो नंबर्स हैं इनकी एक बहुत जीरो से शुरू करके और बड़ा ऊपर तक, यूनिवर्स के पीक तक इसकी हम जो है ना वो थियोलॉजी समझेंगे। तो ये चीजें हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मैं आपके सामने इसकी जगह प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई जी, आपको नजर आ रहा है टेबल? जी सर। अच्छा, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने सिंपल क्या किया है, हमने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करते गए। ये 4 किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 और इसका मल्टीप्लाई है, ये 30 किसका मल्टीप्लाई है, ये 5 का और 6 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 56 किसका मल्टीप्लीकेशन है, ये 8 की और 7 की मल्टीप्लीकेशन है। तो ये टेबल हमने 9 तक जो है हमने मल्टीप्लीकेशन टेबल बना लिया, 1 से लेके 9 नंबर तक का। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा और हमसे क्या क्या सीखेंगे। अभी तक हम जो मेंटल मैथ करते आए हैं, अभी तक हम, मैंने कहा था अपने पेन और पेज यूज नहीं करना, पेन और पेज अभी भी यूज नहीं करना, लेकिन हमारे माइंड में कोई पिक्चर तो होनी चाहिए। जिस वक्त आप मेंटल मैथ कर रहे होते हैं तो आप चीजों को विजुलाइज करेंगे, आप जब आंखें बंद करके मेंटल मैथ करेंगे या वैसे करेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे ना कौन सा नंबर कहाँ फॉल करता। अब हम जो पहले विजुलाइज करते थे वो नंबर हमारे और तरह के थे, हमने पढ़ा कि 10 सर्कल पे नंबर को ड्रॉ करें, अब आप जो नंबर को विजुलाइज कर रहे हैं वो 10 सर्कल पे करें। इसी तरह इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपकी विजुलाइजेशन तो कोई होनी चाहिए कि अच्छा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये वो टेबल है जिसपे आपकी विजुलाइजेशन क्रिएट होगी, अच्छा ये 7 और 7 ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, और सेम सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, अभी तक हम सिर्फ 9 की बात कर रहे हैं, सेम सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, 36, इट मीन ये स्क्वेयर है, ये के पास स्क्वेयर चल रहा है, 9 into 9 81 82 864 ये चल सकता है। अब हमने करना क्या है, हमने इस टेबल को कन्वर्ट करना है डिजिट सम में। ये डिजिट सम सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम, सेम 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 सेम, यहाँ ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका डिजिट सम क्या होगा? 1। इसका डिजिट सम 3। और इसका डिजिट सम 7। इसका डिजिट सम 1। 1। इसका डिजिट सम 2। इसका डिजिट सम 9। और इसका डिजिट सम 9। इसका डिजिट सम 9। इसका डिजिट सम 9। हमने सिर्फ ये एक टेबल बनाया, ये टेबल बनाया, टेबल में हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, और मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने 9 तक के टेबल लिख लिए और हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। इन 9 तक के टेबल लिखने के बाद हमने इनको डिजिट सम में कन्वर्ट कर दिया और ये टेबल हमारे सामने ये टेबल हमारे सामने आ गया डिजिट सम करके। अभी जो पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न बहुत जरूरी है और इन पैटर्न की क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्स में, सिर्फ एडिशन तक नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आपके पास ये कन्वर्जन बनती है सिंपल, जो मल्टीप्लीकेशन का आपने 1 से लेके 9, देखें हम एक बात याद रखिएगा, हम मैथ को पढ़ रहे हैं सिर्फ 1 से लेके 9 तक, बस मेंटल मैथ का इससे आगे कोई काम नहीं है। हम 11 का टेबल पढ़ेंगे, वो इसी इन्हीं चीजों से ड्राइव करेंगे। हमने जो पूरे के पूरी अपनी मैथ की बिल्डिंग खड़ी करनी है मेंटल मैथ की, वो 1 से 9 नंबर तक पे खड़ी करनी है, इससे आगे का नंबर हमारा दिमाग वर्किंग कर ही नहीं सकता। हमने जो वर्किंग करनी है 11 की, 12 की, 68 की, 96 की, वो सब इसकी बेस पे 1 से 9 नंबर तक की करनी है। तो 9 नंबर तक के टेबल लिखे, उन टेबल को आपने डिफाइन कर लिया, उसके सामने आपने कन्वर्ट कर दिया इसको किस चीज में,
डिजिट सम के टेबल में। ओके सर, थोड़ा सा अगर आप गौर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करें, तो राइट साइड पे और उस साइडों पे आपके पास टोटल क्या है, 99 ही आ रहा है, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो 9 का टेबल है वो तो सारा बना ही 9 नाइन करके होता है, 63 का डिजिट सम 9, 754 का डिजिट सम 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ये भी 9, ये भी 9, ये सारे का सारा 9। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तो ये 64 का ए क्या हो गया, 1 हो गया, 1 यहाँ पर आ रहा है, 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 और 1 यहाँ पर आ रहा है। हमने इससे पहले लास्ट दो सेक्शन में प्रैक्टिस की थी, मैं आपसे पूछता था बताएं जी डिजिट सम 1 किसका है, आज के बाद आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी नंबरों की, जब डिजिट सम 1 होगा तो किसका डिजिट सम 1 बन सकता है, तो वही प्रैक्टिस टेबल पर बाद दोबारा रिवाइज हो जाएगी। अब छोटी सी प्रैक्टिस ये करते हैं, हम हर नंबर को लोकेट करते हैं जरा, अभी तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन अब जो 9 वाली चीज थी ना साइड पे, 9 वाली रो थी वो मैंने खत्म कर दी, क्योंकि 9 9 रिपीट हो रहा है, वो मैंने रिमूव कर दी है। अब आपके पास बच गया है टोटल 8x8 का स्क्वायर। 1 को जरा हाईलाइट करते हैं, एक 1 ये है, 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 और एक 1 ये है, तो कितने 1 हो गए? 6। ठीक सर, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने जरा 2 के पैटर्न को देखना है, जी इसके अलावा 2 है? नो सर। नो सर। 3 सर ये क्यों कर रहे हैं हम, 1 2 3 क्यों लोकेट देख रहे, क्यों है इसको? नंबरों से दोस्ती के लिए, जब हमें किसी से दोस्ती करनी होती है तो हम उस देखते हैं ये क्या क्या काम करता है, ये खाता कैसे है, ये पीता कैसे है, ये जब साथ ट्रैवल करता है तो कुछ पूछता भी रास्ते में खाने के लिए, ये सोता कैसे है, ये जागता कैसे है, ये फोन पे कैसे बात करता है, छींके कैसे मारता है। ठीक है, ये सारी सारी बस बातें भी करते हैं सर, हम सब की सब चीजें अपने दोस्तों के बारे में जानते हैं, तो ये नंबर से फैमिलियरिटी क्रिएट करने के लिए है, अब आगे आगे समझते हैं। मैंने आपको बताया था मेंटल मैथ इज ऑल अबाउट पेशेंस, स्लो स्लो चलते रहें, बस 2 महीने बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या कुछ सीखा। चलिए ओके सर। ठीक है सर, ओके। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम करने के बाद जो हमारा एक टेबल बना था, मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने बनाया, उसके बाद हमने डिजिट सम करके उसको लिख दिया, और डिजिट सम करके हमने डिफरेंट नंबर्स को लोकेट की। अब मैं उन्हीं नंबर्स को कनेक्ट करता हूँ, जहां जहां 1 आएगा मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ लाइन से। ओके सर, सॉरी 9 रह गया था हमारा, 9 की लोकेशन देख लें क्या है। 1 2 3 4 ये मैंने नंबर 1 कनेक्ट कर दिया, सारे नंबर 1 आपस में कनेक्ट कर दिए, ऐसे ही एक कर दिए, तमाम नंबर 1 कनेक्ट हो गया आपस में।
सर ये तो डिफरेंट पेज में कनेक्टेड है ना, ये नंबर टू कनेक्ट हो गया, हर नंबर टू दूसरे से कनेक्ट किया हुआ। ओके सर, ये नंबर फोर कनेक्ट, नंबर थ्री कनेक्ट किया हुआ, थ्री कनेक्टेड, ये नंबर फोर कनेक्ट किया हुआ, ये नंबर ये नंबर सिक्स कनेक्ट हुआ हुआ, ओके, ये नंबर सेवन कनेक्ट हुआ हुआ, ओके, और ये नंबर एट कनेक्ट हुआ हुआ, एट कनेक्टेड, ये नंबर नाइन कनेक्ट हुआ हुआ। अब जरा एक जबरदस्त चीज देख लें, जिन दो को ऐड करके नाइन बनता है वो हर एक दूसरे से उल्टी शेप्स, ये वन है, सॉरी ये वन है, ये एट है, yes, sir. ये टू है, ये सेवन है, ये थ्री है, ये सिक्स है, ये फोर है, ये फाइव है, तो सारी ऐड होके बनती हैं नाइन 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 नाइन। तो ये ऑपोजिट रिवर्स है, ये जो आपको चीज बताई है कितनी मुश्किल है ये जी, कितनी मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो आपको भी एक चीज समझाइए? नो सर, टेबल में जो आपने 1 2 3 और ये काम किए तो आपको पता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये 12 बुर्ज, कैंसर, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी जो चीजें हैं, यस सर, आपने 60% सीख लिए। ये जो एक धंधा है ना, हम वो सीख नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है उनकी, बस उसमें पैटर्न बने हुए, ये पैटर्न डिफरेंट सितारों के, डिफरेंट सितारों के पैटर्न है, ये इन पैटर्न की बेस पे जो है वो फिर हिट किया जाता है सारा सारा। तो जितना हिंदू मजहब है वो इसको बहुत फॉलो करता है, हम हमारे मजहब में तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और दूसरा, इस पे हमारा कल इंशाल्लाह लेक्चर होगा, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स को देखेंगे, तो वो कल है, लेकिन आज सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि इन नंबर का भी हम अगला फायदा भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो एक पूरा इल्म आप सुनते हैं नजूमियों का और ये सारा, ये दुनिया जो आपकी यूनिवर्स के सितारे हैं उन सितारों का एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न क्लैश करता है, ये पैटर्न कैसे बनते हैं, इंसान ने ये पैटर्न कैसे बनाए, तो सारा पैटर्न जो है हमेशा पैटर्न नंबर की बेस पे बनते हैं, तो ये डिफरेंट पैटर्न ही था। yes, तो हमने आज इससे क्या सीखना है, ये तो सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए थी, आप इसको दोबारा खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या रीजन है प्रैक्टिस करने की, सिर्फ और सिर्फ हम अपने माइंड में ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन, ड्यूरिंग डिवीजन, हम एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करना जा रहे हैं, और हमारा मकसद इससे कोई इल्म नजूम सीखने का नहीं है और वो चीज सीखने का नहीं। सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि ये लाइनें डाल के और ये तरीक़ेकार से एक बहुत बड़ा जो इल्म है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हकीकत हमारे नज़दीक की कोई हकीकत नहीं है, जो लोग फॉलो उसको करते हैं उनकी अपनी साइंस है, सारी साइंस इस तरह की चीज़ों पर बेस करती है। ठीक है सर, आपने ये टेबल कैसे बनाए ये सारे? ये टेबल तो शुरू, अच्छा तो आप लेट आइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने शुरू में टेबल बनाया था, ये वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला, 1 to 9 लिख दिया, 1 to 9 यहाँ लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई करते गए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, और फिर हमने सारे टेबल का जो है डिजिट सम ले लिया, इसका 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 डिजिट सम ले लिया, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टेबल बना डिजिट सम के साथ वाला, वो ये टेबल बन गया, ये वाला, और फिर हमने डिजिट सम टेबल के ऊपर वो सारी वर्किंग की है। ये सिर्फ मैंने अभी आपको 8 नंबरों के पैटर्न बताए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे लोग कैसे पैटर्न बनाते हैं, आप लोगों की जो है ईयर पे लोग कैसे पैटर्न बनाते हैं, ये सारी पूरी की पूरी जो साइंस है इस एक टेबल के ऊपर खड़ी की हुई है, और इसके ऊपर खेल रहे हैं। नंबर भी इंसान के बनाए हुए हैं, और ये टेबल भी इंसान का बनाया हुआ है, और ये लॉजिक भी इंसान की बनाई हुई है, तो इसमें कुदरत का या खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग ये कहते हैं जी करिश्मा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वो एक बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है। नंबर्स की क्या हकीकत है, मजहब में क्या हकीकत है, हमारे कुछ बड़े मोहतरम जो साहबा हैं उनका मैं कल आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उन्होंने इसके ऊपर कितना काम किया, और सबसे ज्यादा किसने किया, और उसकी कितनी अहमियत थी, और उन्होंने कहाँ तक लिमिट कर दिया, उन्होंने ये बता दिया कि ये इस लेवल तक सीख सकते हो, उससे आगे सीखना गुनाह है और आपको कुफर की तरफ ले जाएगा।
वो कहाँ तक सीखना है वो बात, हम सिर्फ अपनी मैथमेटिक्स ठीक कर रहे हैं, वो बात की बातें हमारे काम की, सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि जो दुनिया में नॉलेज एग्जिस्ट करता है, बहुत से लोग सुबह उठ के सितारों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से लोग उठ के अपने स्टार के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से लोग जो है वो नंबरों पर बिलीव करते हैं। भारत में तो प्रॉपर कुंडलियां, आपने अक्सर मूवी में सुना होगा, कुंडली नहीं मिल रही yes, इस डेट को yes, वो कुंडली भी इसी टेबल से मिलाई जाती है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हमारा डिटेल बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो डिफरेंट चीजें, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, मतलब वो इन्हीं नंबर्स की बेस पे जो कि इंसान ने खुद बनाई है, इंसान ने खुद लॉजिक बनाई है, उसको हम ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो ये कल हम इस पे करेंगे, हमारे काम की क्या चीज है, हम जरा वापस पे चलते हैं। ताकि अभी तक हमने वन का टेबल कोई मुश्किल काम नहीं है, टू का टेबल कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें हमने टू का टेबल सीखा हुआ है, डबल करना सीखा था ना, 36 को डबल किया 72 को डबल किया 144 फिर हमने उसको डबल कर दिया तो 4 का टेबल हो गया था, ठीक है। और 5 का टेबल हमने कैसे सीखा था, मल्टीप्लाई बाय 2 और सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही था। यस सर, पहले हाफ करेंगे फिर 35 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 करना, तो क्या करूंगा, 35 का हाफ 17.5 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ उस तरह कर लें, या पहले मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें और फिर हाफ कर लें, तो इतना ज्यादा आसान है, ठीक है। हमने 5 भी देख लिया था, अब जरा मसला आ रहा था 5 भी चले गए, 8 भी कर लिया था, 8 कैसे किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 भी हो गया था। बीच में 3 का थोड़ा सा मसला आ गया था, बीच में थोड़ा सा 6 रह गया था, उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर पैटर्न आप देखें 3 का, तो 3 के टेबल का डिजिट सम आप देखें कैसे रिपीट हो रहा है, 3 6 9 3 6 9, उसके बाद 12 आया, उसके बाद क्या आ रहा था, 15 आया, 18 आया, 18 21 21 24 24 और 27 और फिर 30 हो गया, फिर 33 yes, हो गया, फिर 36 हो गया। तो ये इसी तरह लूप में चलता रहेगा, ऐसा मतलब है 3 के टेबल का डिजिट सम हमें उसका कोड पता लग गया कि वो 369 369 369 369 होता रहेगा। अब मजेदार बात ये है कि अगर आपने दुनिया में कोई भी नंबर देखना हो कि वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपने क्या करना है, उसका डिजिट सम ले लेना, क्या समझे, उसका डिजिट सम ले लेना। अगर उसका डिजिट सम, अगर उसका डिजिट सम 3 आ गया, अगर उसका डिजिट सम 6 आ गया, और अगर उसका डिजिट सम 9 आ गया, इसका क्या मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 3 है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो 3 की लॉजिक है, 3 की लॉजिक क्या है, हमने किसी भी नंबर को जब ये देखना हो कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट सम करेंगे, और डिजिट सम करना हमने सीख लिया है, बेशक डिजिट सम 11 डिजिट भाई इस तरह कोई नंबर हो 3 6 1 8 4 1 9 7, बताएं ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, है क्यों, डिजिट सम क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो देखिए अब छोटी सी एक चीज सीखने से हमें क्या एडवांटेज मिला है कि हम बहुत सी चीजें सीखेंगे। याद रखिएगा मेंटल मैथ जो है, ये आप जो अभी तक मैथ पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल मैथ पढ़ते आए हैं, वो एक कोर्स वर्क एकेडमिक के तौर पर पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है जिसने ऑलरेडी बिल्कुल जीरो से आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, वो ट्रेडिशनल मैथ है, चलता हुआ रहा है कोर्स वर्क है। ये जो मेंटल मैथ है इसमें बहुत सी चीजें मिक्स की जाती है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने पहले बताया था, ये इंडियन रशियन और जो दूसरा एक आपका अबेकस, अबेकस तो खैर नहीं, दूसरा एक पुटन जो यूज होता है, दो तीन और हैं, इस तरह की 3-4 में से चीजें लेके ये कोर्स बनाने, अभी ये फर्स्ट कोर्स है, तो ये कोर्स साथ साथ ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, ये क्लास सुबह बनती है, आज मैं रात था तो ये प्रेजेंटेशन सुबह बनी, तो ये रोज क्लास से 2-3 घंटे पहले बन रही होती है। तो ये पहला कोर्स है, जो चीज मुझे लगती है कि अच्छा ये डिस्कस करनी चाहिए उस मुताबिक ये बन रहा है, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवाइज होता जाएगा। हमने ये भी देखना होता है कि हमारे कल्चर में नंबर्स को किस तरह लिया जाता है, हमने ये भी देखना होता है कि हमारी नंबर्स के साथ एफिलिएशन क्या है, एज अ हम अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमने ये भी देखना होता है कि हमारे यहाँ किस तरह के सिस्टम राइज हैं, तो उसके मुताबिक फिर मेंटल मैथ सीखा जाता है। तो ये जो डिजिट सम वाला तरीका है, ये सिर्फ आपकी आहिस्ता आहिस्ता, आज हमने 3 ही सीख लिया, अब आज के बाद अब जब भी कोई नंबर देखेंगे,
होता क्या है मेंटल मैथ की। अब आपको ट्रिक पता लग गई, आप कल को गाड़ी में बैठने जा रहे हो, आपको नंबर लिखा हुआ या किसी आप कहीं पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा है ये मेरा मोबाइल नंबर यही है ना 888-58-25, बताएं ये डिविजिबल 3 है। 888-25 है। नो सर। क्यों? ये देखें, ये 32 बनता है। है सर। 32 और 10, 44, 44 और 2। जी 44 मतलब ये 3 पे डिविजिबल नहीं है, राइट? चलें। अब जब सिर्फ ये प्रैक्टिस का क्या मकसद है, जब आप नंबर देखेंगे तो किसी नंबर को देखने के बाद उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैं जरा इस पे ये अप्लाई करके देखता हूँ, अच्छा जरा मैं ये अपनी प्रैक्टिस बनाइएगा, इससे आप राह चलते वेले बैठे हुए आप अपना मेंटल मैथ इंप्रूव करते रहेंगे। और ये आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अभी बड़ा टाइम है, मल्टीप्लीकेशन में भी बड़े लेक्चर होने हैं, 10-15 लेक्चर है मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। चलेंगे अगला देखते हैं 6, इसी टेबल से सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। अगला आते हैं 6 पर। 6 के केस में क्या है, 6 3 9 6 3 9 6 3 9, नेक्स्ट क्या आएगा 6, ये 6 था, 12 आया, 18 आया, 24 आया, उसके बाद 30, उसके बाद 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54, 60 आ गया, और फिर 66, फिर 66, 72, 3 और 9। तो इसका मतलब है जो 6 के टेबल का पैटर्न है इट विल रिमेन सेम ऑलवेज, आप 6 के टेबल को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, ये पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें एक और खास बात जरा सोचें, क्या फर्क है इस टेबल में और उस टेबल में, आप चेक करें 6 जो है 6 के टेबल के अंदर कभी भी ऑड नंबर नहीं आता, ऐसे ही है? यस सर। यस 6 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या होगा अगर आपको ये, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, अभी जब हम आगे जाके मल्टीप्लिकेशन सीख रहे होंगे और मैं आपसे बोलूंगा 178 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपको एक बात तो पता होगी, जो भी हो जाए जवाब मेरा इवन आएगा, इवन नंबर, इवन नंबर ही है, और जो भी हो जाए मेरा डिजिट सम तो 639 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टी, 3 में क्या था, 3 में जहां डिजिट सम 3 आया, 6 आया, 9 आया, दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। 6 के केस में एक नई चीज हमें पता लगी कि डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, दूसरा वो इवन नंबर भी होना चाहिए, तो फिर वो डिविजिबल बाय 6 होगा। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बताएं 384, इसका जरा डिजिट सम करें, इवन नंबर तो है ये, कैलकुलेटर से कर लें, कोई इशू नहीं, हम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लिकेशन भी सीख रहे हैं। 64 आएगा सर जी, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करें, अच्छा जी आपके किसी के बैकएंड पे बस स्टैंड की या मंडी की आवाज आ रही है, तो प्लीज अगर आप अपने आप को म्यूट रखें। अगर माइक में प्रॉब्लम तो आप चैटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो सिक्स के केस में हमें एक बात पता लग गई कि हमने कोई भी नंबर को जब चेक करना हो तो हम चेक करेंगे कि वो सिक्स पे डिविजिबल, सॉरी थ्री पे डिविजिबल है, सॉरी डिजिट सम उसका थ्री सिक्स या नाइन आता है, हाँ जी आता है। क्या ये इवन नंबर है? जी है, तो ये सिक्स पे डिवाइड हो सकता है। तो थ्री पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, सिक्स पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगला आ जाए नाइन पे, तो नाइन के केस में जिसका भी डिजिट सम क्या आएगा, नाइन आएगा, तो वो क्या होगा, नाइन पे डिविजिबल होगा। अब जल्दी से कुछ एग्जांपल करते हैं और ये वो पैटर्न है जो हमने बनाए थे आपके सामने। चलो थ्री फोर सेवन फाइव एट, आपने जैसे इस नंबर को देखा आज से पहले तो मुश्किल था ना बताना कि थ्री पे डिवाइड हो सकता है, इसमें मुझे बताइए थ्री पे डिवाइड हो सकता है, सिक्स पे हो सकता है, नाइन पे हो सकता है, चेक करें। तो तीनों पे हो सकता है, नहीं सिक्स yes, पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है। कंडीशन याद रखें, थ्री के लिए क्या कंडीशन है कि उसका डिजिट सम या थ्री आए या सिक्स आए या सिक्स आए या नाइन आए या नाइन आए, नॉन डिजिट सम नाइन आ रहा है, इसका मतलब है फॉर थ्री इट इज गुड। सिक्स के लिए था कि उसका डिजिट सम या थ्री आए या सिक्स आए या नाइन आए या नाइन, नंबर साथ में इवन हो, तो ये एंड पे एट आ रहा है, इट मींस दिस इज इवन, तो ये सिक्स पे भी यस सर हो सकते हैं। नेक्स्ट नाइन के लिए क्या कंडीशन थी कि उसका डिजिट सम पूरा पूरा नाइन आए, थ्री या सिक्स ना आए, पूरा पूरा नाइन आए, तो वो पूरा पूरा डिजिट सम नाइन भी आ रहा है, दैट इज नाइन डिजिट सम। तो आपके पास ये नंबर तीनों पे डिविजिबल, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट नंबर सिक्स पे तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है हमारे पास। सर ये सिर्फ थ्री पे डिविजिबल है, नाइन भी नहीं क्योंकि हमारे पास नाइन नहीं है इसमें, इसका डिजिट हमारा थ्री, ऐसी है? यस सर। पक्की बात है? सिक्स आता सर, सिक्स सिक्स आता है, सिक्स सेवन एंड एट फिफ्टीन वन एंड फाइव सिक्स, ठीक है सॉरी मैंने ये नहीं काटा, ओके 15 आता है, सिक्स आता है, तो अगर सिक्स डिजिट सम आ गया इसका मतलब है किस पे डिविजिबल है, टू एंड थ्री पे, थ्री पे, सिक्स पे है, थ्री पे, थ्री एंड सिक्स नहीं, सिक्स पे कैसे डिविजिबल, सिक्स कौन कर सर, सिक्स पे नहीं है क्योंकि ये ऑड है, नहीं है ऑड नंबर आ रहे हैं ना सर, सिंपल आपके पास सिक्स एंड नाइन ऑड, क्योंकि ऑड है डिजिट सम सिक्स आ रहा है और ऑड है, अगर ऑड है तो सिक्स पे नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ थ्री पे है, सिक्स पे और नाइन पे नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी सर, सर ऑड पे सिक्स जी, सर सिक्स तो इवन नहीं है, नहीं हमने ये नंबर देखना है, ये जो पूरा नंबर है ये, इसको देखना है कि ये ऑड है इवन है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, डिजिट सम वाला फार्मूला एक बार रिवाइज कर दीजिएगा सर। डिजिट सम में कुछ भी नहीं करना, डिजिट सम में आपने 9 को कास्ट आउट कर देना, इसको काट दें, इसको काट दें, जो मिलके 9 बन रहा है, जो बाकी पीछे बचा उसे ऐड कर दें, आपके पास डिजिट सम आ जाता है। स्पीड से करने का ये तरीकेकार है। ओके सर, अभी आगे करते हैं, फर्स्ट डिजिट को, नहीं फर्स्ट डिजिट को नहीं, सब डिजिट्स को आपने आपस में प्लस करना होता है। ओके, आपने लेक्चर लिया डिजिट सम वाला? सर वो प्रीवियस लेक्चर मेरा मिस हो गया था ना सर। नहीं वो फिर आप, वैसे मैं आपको बता देता हूँ लेकिन वो बड़ी डिटेल, तीन लेक्चर हैं टोटल। तो सिंपल हमने इसको जब तक आपस में ऐड करते रहते हैं जब तक ये वन डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो 7 7 14 14 2 16 16 1 17 17 and 7 24 24 और 9 33, तो ये 33 आ गया, 33 को फिर प्लस कर दिया तो ये 6 आ गया, तो ऐसे डिजिट सम। ओके सर, अब जरा देखें, इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं और हम उसको देख के सार बताएंगे कि ये डिविजिबल
पहले मुझे आपने बताना है कि ये डिविजिबल टू बाई टू है या नहीं है. क्या ये डिविजिबल बाई टू है? नो सर. नो सर. नो सर. ये है? यस सर. यस सर. ये है? यस सर. यस सर. नो सर. नो सर. नो सर. ये है? यस सर. ये है? नो. नो. ये है? यस सर. ये? यस. यस सर. ये? यस सर. ये? नो सर. ये? नो. ठीक है. डिविजिबल टू का सिंपल तरीका है, एंड वाले डिजिट को आप देखते हैं तो वो इवन है, डिविजिबल बाय टू है, इवन नहीं है. कंप्लीट डिविजिबल है तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम रिमाइंडर जीरो की बात कर रहे हैं तो डिविजिबल बाय टू. एंड पे अगर इवन नंबर है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. अब मुझे पहले नंबर के बारे में आपने बताना है कि ये किस किस पे डिविजिबल है. सुकून से पूरी कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आप सिंपल बता दें सर 369 पे, 36 पे या सिर्फ 9 पे. चलो सर, इट इज डिविजिबल बाय 3 ओनली. ये लास्ट एग्जांपल है अभी की. 32 33 सर ये 3 पर भी है, 9 पे भी और 6 पे भी है. कौन से वाला? सेकंड? यस सर. ठीक है. सेकंड आना कह रही हैं कि 3 पे भी है, 9 पे भी है और 6 पे भी है. देख लेते हैं जी. 9 कास्ट आउट हो गया. 1 और 8 ये किसी पे भी नहीं है. 6 और 7 आपके पास. 13 और 4 17 8 आ गया ना. ये किसी पे भी डिविजिबल नहीं है. ये किसी पे भी डिविजिबल है. अभी तो मेरा 9 आया था. चलें सर, प्रॉब्लम है मेरे साथ सर. मैं जब भी कोई ये मल्टीप्लिकेशन करने लगती हूँ, एक डिजिट या तो मेरा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है. अभी भी आप एक काम करें, आप वन से लेके, आप भूल जाएं कि जिंदगी में 10 कोई नंबर है. आप सिर्फ 1 से लेके 9 तक, 1 और 2 को जमा करें, 2 और 3 को जमा करें, बस 1 से लेके 9 तक 15 मिनट प्रैक्टिस करें, जिंदगी में दोबारा ये गलती नहीं होगी. ठीक. चलें जी, नेक्स्ट नंबर. सर ये भी किसी पे भी नहीं होता, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है. 5 और 4 कट हो जाएगा, 7 और 2 कट हो जाएगा, 8 और 8 बचेगा जो कि 3, 1 और 6 7 हो जाएगा. ठीक है, ये भी किसी भी नहीं. नेक्स्ट नंबर किसी पे नहीं. 4. नो सर. किसी पे भी नहीं होता, 4 आता है. फाइव आता है डिजिट सम, ये भी किसी पे नहीं होता. अच्छा, कैसे वैसे शॉर्टकट क्या निकालने का तरीका है इसका? फाइव. अगर मैंने डिजिट सम निकालना हो, मुझे देखते सार पता लग गया था इसका डिजिट सम फाइव है. कैसे पता लगा? सर 7 और 2 कट हो जाएगा, 666 कट हो जाएंगे क्योंकि 18 9 का मल्टीपल है ना. बिल्कुल. तो ये वो स्पीड है जैसा मैंने अब देखें, मैं ब्लिंक ऑफ आई में सेकंड के अंदर बता सकता हूं कि ये डिवाइड नहीं हो सकता. क्यों? इतने बड़े. अब वैसे अगर आप किसी से पूछे ना, होगा अच्छा से पता नहीं क्या किया है. 6 6 हमने ना ये देखा कि ये 1000 है, ना हमने देखा ये बिलियन है, ना हमने देखा ये क्या बनता है. सिर्फ हमने इस 666 मैंने देखा कैंसिल, 72 देखा कैंसिल, 5 बचा. सॉरी जी, ना ये 3 भी डिवाइड हो सकता है ना 6 पे. अब देखने वाला तो कह रहा होगा भाई एंड पे 6 भी आता है, तो ये तो हो सकता है 3 पे भी हो जाए, हो सकता है ये 6 पे भी हो जाए. लेकिन हमने सिर्फ इस, अब देखिए बिल्कुल अपोजिट चीज है, हमने सिर्फ इस 5 की बेस पे डिसाइड कर दिया कि ये divisible by 3, 6 और 9 नहीं है. तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज हैं मैथमेटिक के अंदर. नेक्स्ट नंबर जी, किसी पे भी नहीं. जी क्या है, क्या आ रहा है? 3 पे होगा. 3 और 9 पे होगा. 6 डिजिट सम है तो 3 और 9 पर होगा सिर्फ. नहीं, डिजिट सम सिर्फ 3 पे. सिर्फ 3 पे होगा. 3 पे तो याद रखें, 3 के केस में 3. अच्छा सही. 9. 6 के केस में 3 6 9 साथ में इवन होना चाहिए. मैं इसके ये निकाल रहा हूं, डिवाइड बाय 2 हो सकता है, इवन नंबर होना चाहिए. और 9 के लिए सिर्फ 9 बस, और कोई कंडीशन नहीं. नेक्स्ट
का 8 आता है डिजिट से. तो ये भी कैसे पता लगा आपको? ऐसे पता लगा कि ये देखें ये मिलके बन जाता है 9. यस सर. बाकी डिजिट सम 8 बच गया. तो वो मैंने कहा था ना कि उस डिजिट सम की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है, अगर आपको प्रैक्टिस कीजिए तो आप विद इन सेकंड्स बता रहे होते हैं सर डिजिट 3 है, डिजिट 6 है, डिजिट 9 है, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देते हैं. जी नेक्स्ट आ जाए 580452. यस सर. डिविजिबल ऑन 3 एंड 6. डिविजिबल बाय डिजिट सम क्या आता है? डिजिट सम 6 आता है. 6 6 आता है. और क्या है साथ में? 2 इवन है. कैसे किया आपने? आपने फौरन यहाँ से इसको कट किया. 3 कट कर दिया. 70263 divisible on all. 6 के अलावा 3 और 9 पे होता है सर. 6 3 भी कट जाएगा, 7 और 2 भी कट जाएगा, तो 0 बचेगा ना. तो 9 हुआ इसका डिजिट सम. 6 3 कट जाएंगे. 3 पे होगा. 3 आ रहा है डिजिट सम. यस सर. 3 आ रहा है डिजिट सम. इसका मतलब 3 आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 पे होगा. देखें डिजिट सम की प्रैक्टिस मैंने क्या किया, आपने अपने मर्जी से किया, मैंने इसको काट दिया था सीधा सबसे पहले. क्यों? ये दोनों मिलके 18 बन रहे हैं, तीनों मिलके. बाकी को मैंने ऐड कर लिया. चलें जी आगे चलते हैं. इसका भी 3 आ रहा है. इसको काटा 3 आ रहा है. नेक्स्ट ये किसी पे भी नहीं होता. 7 आ रहा है. नहीं 7 8 4 6. यस सर 7 आ रहे. 16 आ रहे. इसका 1 आ रहा है. 6 आता है तो ये होगा 3 पे. इसका तो 1 नहीं आ रहा सर. आंसर इज 1. इसको काट दिया, इसको काट दिया, बाकी बचा 10. एक ठीक है जी. नीचे वाले में ये कट गया, डी सम 2 आ गया. उससे नीचे चलते हैं जी. इसमें ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 7 आ गया. यस सर. इसमें ये कट गया. एम 6 कट गए. 3 एम 6 कट गए. 5 और 3 कट गया. ठीक है. इसका भी 5 आ रहा है मेरे ख्याल से. तो यस सर 5 5 आ रहा है. चल यस सर. एक नंबर चलें, वो रैंडम नंबर टाइप करते हैं. हम टाइप कर लेते हैं 100564456. फौरन से पहले बताएं क्या करें. 4 एंड 5 कट. सर 9 आएगा इसका. 369 तीनों पे हो जाएगा. ये कट गया. और ये देखें, ये 6 कटा, ये 6 कटा और ये 6 कटा, तो 9 तो 9 आ गया. अब 9 आया इसका मतलब है 9 पे भी डिविजिबल है. इसका मतलब है 3 पे भी डिविजिबल है. और एंड पे क्या आ रहा है? और 6 आ रहा है. इवन है तो 3 पे डिविजिबल. यस सर. ये भी
छोटी सी अभी और बहुत काम है, डिजिट सम का बड़ा यूज है वो हम देखेंगे, लेकिन डिजिट सम की स्पीड कैलकुलेशन, ये जो नंबर है अगर आप कैलकुलेटर से करने बैठे, मैंने को बताया था ना कि ह्यूमन माइंड जो लोग मैथमेटिक करते हैं वो कैलकुलेटर से तेज करना शुरू कर देते हैं। रीजन ये है कि कैलकुलेटर किसी और लॉजिक पे काम कर रहा होता है, हम किसी और लॉजिक से देख रहे हैं। तो ये आगे देखेंगे हम एडिशन के केस में, सारी चीजों में कई जगहों पे कैलकुलेटर से लॉजिक हमने डिफरेंट यूज की हुई है। नंबर जो है मैं बता देता हूँ, मैंने आप लोगों का माइक ऑफ किया, किसी का माइक का बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। जी रुखसाना, आपका आपने हैंड रेस किया है। जी सर, अभी इस अभी जो आपने डिजिट लिखा है 1005 6 4 5 6, इसमें मतलब 4 and 5 तो 9 हो गए, ये इसलिए कट गए। आपने कहा कि ये भी 6 कट गया, ये भी 6 कट गया और 5 भी कट गए, ये कैसे कट गए, ये तो 9 भी नहीं बन रहे। मैं बता देता हूँ आपको, देखें ये तो हमें पता लग गया कि ये 4 5 कट गया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। उसके बाद yes. हमें ये भी पता है कि ये 6 12 12 और ये दोनों मिलकर 6 बनते हैं, तो 18 तो 18 का भी डिजिट सम 9 ही आता। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है डिजिट सम की, ताकि भी बहुत सी चीजें हमने डिजिट सम से रिलेटेड चीजें सीखनी है। तो आपकी देखें डिवीजन बाय 3, डिवीजन बाय 6 एंड 9, और ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आपने पेन यूज नहीं करना, आप कहीं भी बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं तो वहाँ किसी ने बताया जी इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो 3 8649 billion जो है लोन लिया, तो आपने फ़ौरन 3 4 8 6 को चेक कर लेना भाई डिविजिबल 3 है डिविजिबल 6 है। तो डे टू डे लाइफ में अपने दिमाग को डिफरेंट, जहाँ नंबर नजर आए आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देना है। पहले आप अपने दिमाग को चलाते नहीं थे क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते थे मेंटली, आपको किसी नंबर को देखने के बाद ज़रूरत पड़ती थी कैलकुलेटर की, पेंसिल की। आज की डेट में कम से कम इतना ज़रूर है कि आप नंबर्स को देखते सार उनके साथ खेल सकते हो, तो फजूल सोचने से बेहतर है कि कुछ और देखने से बेहतर है बिल बोर्ड के ऊपर बहुत कुछ देखने से बेहतर है कि जहाँ नंबर नजर आए गाड़ी दो गाड़ियों जा रही हैं दोनों के नंबर ऐड करें प्लस करें। ये प्रैक्टिस के तरीके का बता रहा हूँ, आप अभी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली फिर जब आप इन एक्चुअल लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी जब आप उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सीखने का सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है कि इसकी प्रैक्टिस करें। दानिश आप पिछले 2 lectures हैं डिजिट सम के वो लाजमी ले लें, अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस है तो आप आगे क्योंकि बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। ग्रुप में आए हुए हैं और इसको आज का लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बाकी ये जो मैंने आपको बताया क्योंकि ये टेबल डिस्कस हो रहा था तो मैंने चलिए आपको ये बता दें कल हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 7 8 6 क्या होता है? आप लोगों के माइक ओपन है सबके, 7 8 6 क्या होता है? सर इसके ना डिजिट्स को मोस्टली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बिस्मिल्लाह के लिए लिखा जाता है। वो तो ठीक है, ये तो हर बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि 7 8 6 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है, ऐसे ही है? यस सर। लेकिन कैसे है बिस्मिल्लाह के सारे हरूफ को जमा उसके ज्यादा दाद को जमा करके 7 8 6 मत करके देखिएगा आएगा बिस्मिल्लाह 7 8 6, जरा कोशिश कीजिएगा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, एक पूरी स्टडी है उसको अबजद मेथड ऑफ काउंटिंग कहते हैं, अबजद मेथड ऑफ काउंटिंग। आपने सीरियल नंबर देखे होंगे कभी, हम जब कोई चीज इंग्लिश में लिखते हैं अक्सर लिखते हैं ना ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, जब हम 1 2 लिखते हैं लिखते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 वो भी अलिफ बे जीम दा लिखते हैं। हाँ उधर लिखा होता है अलिफ बे जीम दा जीम दा लाल हे हाय हे वाओ। ये अबजद कॉन्सेप्ट है। ये क्या है ये हम कल इंशाल्लाह इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे और बाकी नंबर्स की देखेंगे, नंबर्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे। कल हम एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में जिसके इल्म को हमने बड़ा इग्नोर किया हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही हैं उनके बाद भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इल्म में बड़ा काम किया, तो मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक है उन शख्सियात के साथ और हमें मैथमेटिक्स पे एज अ मुस्लिम क्यों जोर देना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें कल जुमा है, जुमा दिन लेक्चर रखा है,
हम अपना थोड़ा सा मेंटल मैथ भी देखेंगे और मुस्लिम में सबसे एक्सपर्ट मेंटल मैथ कौन सी शख्सियत थी, कल इंशाल्लाह उनका तारुफ आपके साथ होगा, और ऐसे ऐसे मुश्किल जो कॉन्सेप्ट थे विरासत के और बॉक्स चीज़ों के, ये सारे वो मेंटल मैथ से ही सॉल्व कर देते थे। तो कल इस पर थोड़ी सी गपशप होगी, आज आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, कोई भी नंबर आए बस देखना यही है, अपने फ़ोन बुक निकालें, फ़ोन बुक में से सबके नंबर देखते जाएं और चेक करते जाएं, अच्छा भाई ये अली का नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 है, उमर का नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 6 है, अच्छा जो हिजाब का नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 है, जो दानिश का नंबर है वो ये है, रुखसाना का नंबर ऐसे है, ये प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। कोई सवाल है आज से रिलेटेड तो प्लीज यू कैन आस्क। सर प्रीवियस वीडियो सर वो ग्रुप में मेंशन है? जी जी ग्रुप में मेंशन है, 7-8 मेंशन है, अभी मैसेज आया सलमान का सर 6 लेक्चर मिसिंग है, मैं 6 भी ग्रुप में डाल देता हूं। ठीक चलो ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है सर, मिसिंग ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी हिजाब कुछ कह रही थी आप? अंदर में कह रही थी मेंशन है पड़ा ग्रुप में, अच्छा अभी लिया था थोड़ी देर पहले। चलो ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज।